अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल कटलर्स, जो कि रमज़ान रेसिपी है, रमज़ान स्पेशल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं, आलू को मैंने पहले से बॉईल कर लिया है। साथ में मैंने मटर लिए हैं, मटर को भी मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। दोनों चीज़ें मैं अच्छे से इनको मैश कर लूँगी। देख सकते हैं आप, दोनों चीज़ें आपने मैश कर लेनी है अच्छे से। साथ में इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज जाएंगे, 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, सब्ज़ धनिया मैंने लिया है इसमें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें चाट मसाला, और ज़ीरा और काली मिर्चें मैंने अच्छे से क्रश कर ली हैं। ये दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, वो भी जाएंगे इसके अंदर। एक मैंने बॉल ले लिया है, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, सारी इंग्रेडिएंट्स, सब्ज़ मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, हरा धनिया पाउडर, ज़ीरा, काली मिर्च, चाट मसाला, सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। प्याज, सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया, ये भी इसमें डाल दूँगी मैं। अब सारी चीज़ें आपने डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये इफ्तारी के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आप बना के फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं कटलेट्स, और इनको इजीली 10 दिन के लिए आप फ्रीज़ कर सकते हैं। 10 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि आलू अपना पानी छोड़ देते हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी, रमज़ान में इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिए। ब्रेड के स्लाइस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इनको टिकियाँ बना लेंगे। हम इनकी गोल गोल शक्ल में मैंने इनकी टिकियाँ बना ली हैं। आप इन चाहें तो अपनी मर्ज़ी की शेप से बना सकते हैं, जैसे आपको शेप अच्छी लगती है आप वैसे बना सकते हैं। मैंने इनको गुलाई की शक्ल में बनाया है। टिक्कियाँ हमारी रेडी हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए पहले मैंने एक अंडा ले लिया है, अंडे में इनको कोट करेंगे ताकि इनकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, ये टूटे ना। अभी अंडे से इनको कोट करके फिर इनको फ्राई करें। ऑयल मैंने ले लिया है, 5 से 6 टेबल स्पून ले लिया ऑयल, और इनको फ्राई हम कर रहे हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है रमज़ान के लिए, जल्द बनने वाली। अगर आप पहले से बना के इनको रख देते हैं तो बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि रमज़ान में टाइम कम होता है और हमें और भी बहुत से काम होते हैं। तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। एक तरफ़ से हमारे ये फ्राई हो गए हैं, अब दूसरी साइड से हो रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। ये हमारे मिक्स वेजिटेबल कटलेट्स रेडी हैं, आप देख सकते हैं। आप इनको रमज़ान में बनाएं, इफ्तारी में ट्राई कीजिए, वैसे बनाएं, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इससे पहले जो मैंने आपसे वीडियो शेयर की है, वो भी जिन जिन लोगों ने नहीं देखी, करेले गोश्त और चाय वाली सेवैयाँ, वो भी ज़रूर जाके देखें। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्थी, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल। गुड नाइट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।